एक सेकंड तुम लोगों को बताऊं, मैं अभी बैठा हुआ था और ना ही देख लो, मैं अपने यानी कि अपना लेटने की कर रहा था और टाइम देख लो सही है। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ अभी कि हम लोग जहाँ पे नाश्ता करने जाते हैं ना, यानी कि अब्दुल्ला और मैं हर वक्त हम लोग उसी होटल पे जाते हैं, समझो हमारा दूसरा घर। आप लोगों को भी वही पता है कि हम लोग हर वक्त वहीं पर पहुँचे हुए होते हैं। तो मेरे भाई ने भी वीडियो भेजी, मैंने बोला पता नहीं कैसी, जब मैंने देखा तो क्या मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड यार, ये मेरा चार्ज हो रहा है, 1 मिनट। मैं ये खोल गया फ़ोन, एक सेकंड। जी मैंने अभी अब्दुल्ला को भी ये देखो। डकैतों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया है। ये आपको मैं देखो दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये सामने से एक देखो बाइक पर ये तीन डकैत आकर रुके जी, और पीछे वाले दो डकैत उतरते हैं। उतरते साथ ये दोनों डकैत सामान निकालकर यहाँ जो लोग नाश्ता कर रहे हैं होटल पर बैठकर इन लोगों के पास बढ़ते हैं इनको लूटने के लिए। लेकिन इन डकैतों को ये नहीं पता कि भाई ये दौलत शाह आगा भाई का ये होटल एक है और सेकंड इनके होटल पर ये लोग आए हैं। आप देखिए, ये दौलत शाह आगा भाई यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं। एक सेकंड और ना, यानी कि यार ये ना तीन भाई हैं, इन लोगों का होटल है और ना इनसे हमारी इतनी कोई अच्छी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सीरियसली यार गाइस, ये लोग ना बोलते हैं यार तुम दोनों ना बहुत अच्छे लड़के हो, यानी कि क्योंकि बस छोड़ो मैं वो नहीं बताऊंगा, फिर वो हो जाता है यानी कि। लेकिन ना यानी कि जो इनके जितने भी सारे वर्कर्स हैं ना, वो सब हमें जानते हैं क्योंकि हम लोग कितने टाइम से इनके पास जाते हैं नाश्ता करने यानी के। और ना इनके देखो सारे वर्कर्स भी अभी आ रहे हैं, लेकिन इनकी ये देखो नजर इन ये वो डकैतों के ये ऊपर वो भी ये वो रही। ये जो जैसे यानी ही के डकैतों ने सामान, बस हम लोग आके अभी बैठे हैं, तो ये वो सबसे पहले आते हैं, सलाम दुआ करते हैं कि कैसे आप लोग, ऑर्डर पर बोलते हैं कि वो ऑर्डर दे दें मुझे, क्या यानी कि इन लोगों का होता है ना कि भाई जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर लेते हैं तो उसको पता नहीं शायद कुछ कमीशन वमीशन मिलता होगा, तो ये लोग ना वो है यार देखो एक सेकेंड। कल और आगे बढ़े। लेकिन कहा बहादुरी था बस कि आप चेक कितने करो, ही ये देखो हाजिर ये है वो, दिमागी ये से देखो इस ये देखो ये भाई देखो, ने अपना पिस्टल निकाल ली, लाइसेंस याफ्ता हिफाजती सामान ये निकाला देखो और डकैतों के ऊपर तान दिया। आप देखें, लोग सारे नीचे बैठ जाते हैं, लोग डर जाते हैं। इनके पड़ोस में जो बंदा था वो कुर्सी से गिर हुए जाता है और साइड हो जाता है। आप देखें, दो डकैतों के पास सामान होता है, लेकिन ये हुए दौलत शाह आगा भाई अकेले इन दोनों डकैतों के ऊपर लाइक भारी पड़ करना जाते हैं। पड़ेगा आप देखें किस तरह से डकैत जो होते हैं दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल दौलत शाह यार। आगा भाई ने अपने तमाम लोगों को भी महफूज रखा, अपने तमाम लोगों के साथ साथ ये जो नाश्ता करने आए हुए थे इन बहुत सब लोगों को जबरदस्त भी बहुत महफूज रखा। मैं जबरदस्त, दूसरे कैमरे से आपको इस पठान भाई की दिलेरी और ये बहादुरी देखो ये दिखाता हूँ कि देखो पठान भाई ये अपनी वही सीट वही से गिरी लड़का जो होता हमारे है, पास लेकिन आता है। अकेले इन तीनों डकैतों पर भारी पड़ जाता है। अकेले बैठकर यहीं से इन उए तीनों डकैतों हुए को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर देता है। तो आप तमाम कराची वालों से गुजारिश है कि इस पठान भाई के लिए इस वीडियो यार को लाजमी लाइक बिल्कुल करें, इस बिल्कुल पठान भाई के भाई, लिए एक अच्छा सा कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और बेफिक्र रहो ऐसे लोगों को ना कसम से मैं सैल्यूट करूंगा। और ये देखो ये इसने भी 1 घंटे पहले डाली है, तो यानी कि शायद ये आज का सीन में मुझे लग रहा है। और ना आज ही सीरियसली आज ही यानी कि अब्दुल्ला, और ना मैंने आज था संडे, और ना आज ही हम लोगों ने जाना था होटल पे, इन्हीं के होटल पे जाना था सुबह में, लेकिन देखो अल्लाह का करना वो अब्दुल्ला भी नहीं उठा। मैंने बताया भी है व्लॉग में, यार ब्रेव मैन यार, तीन तीन सामने वो खड़े हुए, गन निकाली हुई है, और ना वो बोल रहे चलो निकलो। ए भाई पठानों की भाई, ये मैंने भी अब्दुल्ला को सेंड किया, अभी अब्दुल्ला हो ना मुझे इसका बताएगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा इस बात को, मेरा इंशाल्लाह जाना होगा ना अब्दुल्ला मेरा इनके होटल पे, तो मैं इनकी तारीफ़ करूंगा वहाँ पर जाकर। मैं शायद मैं उसका मैं ब्लॉग भी इंशाल्लाह मैं उन्हें बताऊंगा, ब्लॉग भी दिखाऊंगा, मैं बोलूँगा मैंने आपका यानी कि नाम लिया इनका, शायद अच्छा मुझे नाम भी नहीं पता यार, सीरियसली यार सॉरी। लेकिन ना ये तीन भाई और तीनों भाई बहुत अच्छे हैं, सीरियसली यार बहुत ही अच्छे हैं, और ये हम काफ़ी सालों से इन्हीं के पास आते हैं, और ना यानी कि बहुत ही लोग इज्जत करते हैं सच में, पठान लोग बहुत अच्छे होते हैं यार। मेरे अब तक जितना भी यानी कि वास्ता रहे ना पठानों से, मेरे दोस्त खुद पठान हैं इतने सारे, बहुत नाइस होते हैं यार। चलो यार गाइस भाई मैं तो सो रहा हूँ, लेकिन देखो क्या ब्लॉग पता नहीं क्या कुछ हो जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात कि यार अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन आमीन। सही है भाई गाइस, मैं तो अब सो रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह जाना है, मेरी क्लास है वही डोमिनो वाली। सही है, ओके फिर इंशाल्लाह आप लोगों से किसी और दिन और एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। लेकिन यार मैं इंशाल्लाह मैं जाऊंगा ना इनके पास, तो मैं इनको बताऊंगा, मैं इनकी सीरियस यार मैं तारीफ़ करूंगा कि यार आपने सैल्यूट यार आपको, कि आपने इतनी बहादुरी दिखा के, और आप ये चेक करो तीन लोग आपके सामने खड़े हैं गन लेके, और ना तीनों के पास गन है, और ना ये अकेले अकेले, और नहीं बोलना है भाई मैं तो होता पता। लेकिन चलो भाई गाइस, आई होप आप लोग को यार ये व्लॉग पसंद आया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी यार कमेंट कर देना इन फटान भाई के लिए, मैं इंशाल्लाह मैं इनको ज़रूर दिखाऊंगा कि यार आप बिलीव मैन हो यार सीरियसली, और मैं बताऊंगा कि मैंने व्लॉग भी बनाया था आपका यार।
चलो यार गाइस, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो यार प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कर देगा। ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग भी जल्दी सो जाया करो। ओके, अल्लाह हाफिज़।